पहले ऐसे गिलास चलते थे। मुंबई में बहुत बहुत मिठाई मिली, 2,000 रुपए किलो, 1,500 रुपए किलो। हाँ बहुत महंगी मिठाई है। ये दादी फुफू का स्टोर रूम है। भूत अंदर भूत है। चलो चल, बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है दाल गोश में। अरे और इस दोबार चार दिन में जींस उतरी है, रोता रहेगा। जींस को जींस उतरने के बाद बोलता है गुस्से में कोट पहन दो। अच्छी दोबार है तुम्हारी, तुम्हारी है तुम्हारे नहीं है। बोल क्यों मंगाई, क्या वो चावल हो गए वो सर्वदी। वो ने बनाए हैं दाल गोश, दाल गोश है, दाल चावल मम्मी भी मिलता है, दाल गोश बहुत अच्छा। मेरे फूफो का बेडरूम, मेरे फूफो के दो बेटे हैं, दो बेटी हैं, ये उनके घर है। पहले मिट्टी का घर था लेकिन ज़मीन अभी भी मिट्टी की है। ये है मिट्टी की ज़मीन और इतना ठंडक रहती है ना, इतना सुकून मिलता है ऐसे घरों में। अभी तो ये पक्के बन गए घर, पहले बहुत अच्छा लगता था मिट्टी का, जो भैंस का गोबर रहता है ना उससे पूरा ऐसे गुबरी करते हैं। हमने भी किया बचपन में, बड़ा अच्छा लगता था करना। देखो मेरी अम्मी के लिपस्टिक लगे पान का ही था। अल्लाह पूरे कलर भी बहुत है, लाल लाल हो गया मुँह, ऊपर दिल से गलाया पान, ऐसा लाल लाल हो गया, नहीं तो ऐसा काला काला मुँह हो जाता है पान खाओ तो। पान बोले इसके अंदर रहते है पान और ये है सरोता। मेरी दादी भी ऐसी खाती थी, ऐसी सरोता था मेरी दादी का। और ये है पानदान, ये इसकी प्लेट और ये सब अलग अलग सेक्शन रहते हैं। इसमें कत्था है, तंबाकू है, सुपारी का है, ये खाली है, इसमें चूना है। मेरी दादी का ही बहुत अच्छा पानदान था। चल ना बुरखा ओढ़ के, नहीं खेत में जा रहे हम। खेत देखने तो आ गए लेकिन खेत में कुछ भी नहीं है, पप्पू बोली कुछ नहीं है और हमने सोचा था रील बनाएंगे। नाज साथ में चलो, नाज मम्मी मम्मी चलो उधर, डेर देख कर आएंगे डेर। मम्मी बड़ी खेत में चलते हैं।
देख के बहुत खाता था। देखो तो पीछा है धान है। देखो बैठी है पंडुक जी, क्या बोलते हैं दोस्तों हो जा रही है देख। और वो जानवर का अभी तक नहीं देखा पप्पा, जो सुबह को बोलता है ए दोस्तों, वही है इतनी जोर से बोलता है कि सब में आवाज गूंजती है। वो जो उड़ के जा रहा है। नहीं वो ना उसकी पूंछ देखना, वो देखो बैठा उधर। अच्छा उधर ना वो गया देखे उड़ के। वो डेली सुबह मॉर्निंग में बोलता है ए दोस्तों। वो हम महसूस करते हैं कि ए दोस्तों निकलता, पर उसका जो लहजा रहता है ना वो ट्वीन। हाँ बकरी की मत तोड़ेगा। ये है मेरी पप्पो का गांव। अभी तो गांव भी बहुत बदल गया है। पहले जब हम आते थे ना यहाँ पर तो मिट्टी लेने के लिए भी हमें ना हमें बाहर आना पड़ता था। मेरी पप्पो की लड़की के साथ आती थी मैं देखने के लिए। पप्पो वाला डैर किधर है जिधर से मिट्टी लेने जाते थे? कहाँ है वो? गेहूं तोड़ी बेटे, चावल। वो जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो? ये चावल है, चावल एक तोड़ के लाके देख लो। एक डंडी छोड़ के मैं दिखाता हूँ। अभी तैयार नहीं हुए ना ये? हो गए तैयार। कट भी गए कौन से चावल? मोटा। अरे मैं दे रहा हूँ बेटे, तू गिर गया। दिखा ले पकड़, ले पकड़ बाली। गेहूं है? गेहूं नहीं चावल है, इसके अंदर ही चावल निकलता है। अरे बड़ी वाली नहीं, ये ले ले बस। देख बेटे इसके अंदर चावल निकलता है। दिखाओ खोल। हम लोग खाते थे खीले भून के इसकी। हम लोग खाते थे ना? हाँ, इसको आँच में डाल दो फिर इसकी खीले बन जाती है। वो मुरमुरा खाते ना, मुरमुरा। देख चावल निकला। ओ हाँ चावल ही है। ये देखो चावल है। मैं घास ले रही हूँ, घास। चलो सब चले गए, अपना भी चलते आगे। कुछ देख रहे हैं सिंगाड़े। ये है सिंगाड़े, इसके अंदर निकलेंगे ना अभी। यहाँ बम्बई में तो मिलते हैं बहुत महंगे, तो निकाल के लेके आ जाओ। उधर नहीं, पीछे 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 जाल क्यों आगे थक जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम गन्ने तो देखते रह गए, गन्ने तो देख कर आते। चिलू मान जाओ, सब देख लिया हमने। गन्ने का खेत रह गया, अभी खेत रेडी नहीं है, टाइम लगेगा। अरे मैं तो थोड़े से ये शिमला मिर्ची का है, ये पप्पो ने बताया, अंदर का नहीं पता है मुझे। पप्पो ने बताया शिमला मिर्ची का खेत है। ये ट्यूबवेल गन्ना तोड़ियो बच्चों के लिए। हाँ गन्ना तोड़ेंगे भाई, गन्ना तोड़ेंगे। क्या ली? फूल ये उगरे हैं, ये उगरे हैं, उगरे हैं। मैं घर लेके जा रही हूँ। तुम घर लेके जा रही हो? अपने घर में लगाओगी फूल? नहीं सारी घर में नहीं डालूंगी। अब हम जा रहे हैं गन्ने के खेत में। ये है गन्ने का खेत। हाथी राजा, हाथी राजा का सबसे फेवरेट खाना। साइड में चलो। कौन सा गन्ना तैयार होगा किसे पता चलेगा? वाओ पहले हम तो गाड़ी में से खींच लिया करते थे। अरे जंगली, ये देखो एक्सेल वर्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा। अरे उसका घर पे कर लेना। चलो कितने ज्यादा हो गए। किसी की भी हो, हम तो तोड़ के ले आए। ये कौन सा पेड़ है?
ये बेरी का है ना, अभी बेर थोड़ी आएंगे। पिछली बार आए थे हम लोग खाए थे, देखो आ रहे हैं। कैसा बेर लगा पड़ा था, कितना कितने पत्ते नहीं कितने का बेर। अरे हाँ नजदीक से कितना बेर है देखो, कितने बेर है, मस्त आएंगे। बंदर की रंग खा रहा है, कभी जिंदगी में खाया नहीं है लेकिन प्रैक्टिस बड़ी मजे वाली हो रही है। कहीं से तो मिलेगा, थोड़ा ला मैं काट दूंगा, पूरा चाहिए उसे। उसको रस आया ना मुंह में तो बहुत टेस्टी लग रहा होगा। रखो रख दो मैं खा लूंगा। अल्लाह नहीं मुझे बोला था, रुकेगा ही नहीं वो इतनी देर। अल्लाह इसका सबर भी नहीं है उसको। हाथों के खेलने का क्या, चबाओ ना, लोनियों खाने दे रहा ना कुछ। तुमने स्टार्ट करके तो दिए थे, सही आ रहा था वैसे तो। मैं भी खा रहा था असली गांव। हमारा सलाम बोल दिया करो। हां इंशाल्लाह। पप्पा अल्लाह हाफिज, ये पप्पा है, अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह अच्छा कर दे। कौन है तेरी सास? नहीं वो बना रही है अपने चैनल के लिए। मन के जन तेरी सास का फोन निकाल। अरे जल्लो फिर दुआ भी देते हैं ना पप्पो, दुआ में हमेशा याद रखना, फिर आना घर पे अल्लाह मालिक, जुमेरात को आना भी। ये देखा हमारा तो कोई, चलो पप्पा ख्याल रखो, आ जाना, चाचा भी आएंगे, खाओ पियो खुश रहो। सीरत रुक जाना, मार से मैं आ गया इधर, इधर मैं खुद नहीं बैठी डर के मारे, तुझे कौन संभालेगा। मेरी गोदी में शोले भी चल, पप्पो के घर से हम जैसे ही आए तो हमें हमारी आज शाम की दावत भी थी, और यहाँ पर रात के खाने की दावत होती है मगरिब के फौरन बाद, जैसे ही मगरिब की नमाज़ हुई और रात का खाना स्टार्ट हो जाता है। तो हम खाना खाने कितने बजे गए थे, 6:45 बजे, और हमें भूख भी लग रही थी ज़ोर की, और हम खाना खाने चले गए। और यहाँ का हम बंजारों की शादी रहती है हमारे टांडे के, और उनका खाना ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी रहता है, कि हमें हमेशा इंतज़ार रहता है यहाँ पर खाने का। तो और जिसको भी पता रहता है ना हम आए हैं बम्बई से, और वो लोग भी हमें सामने से बुलाते हैं कि खाना खा के ज़रूर जाना। ये नदी हमारी है, ये तो बाल्टी हमारे एक खाने का ही। यहाँ पर टेबल नहीं है तो ऐसा होता है, यहाँ टेबल होती ही नहीं है। गए थे शादी में, हमारे पड़ोस में शादी थी, और यकीन मानो कि शाम का खाना हमने कितने बजे खाया है, हम घर यहाँ पे ना मगरिब की अजान होती है और खाना स्टार्ट हो जाता है। हाँ 5 बजे मगरिब की अजान हो रही है और 5:30 बजे तक अदा हो जाती है, मीन्स खाना खाने चले जाओ बस, और देर हो जाएगी ना तो खाना खत्म हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, वैसे ही हुआ क्योंकि
यहाँ के जो औरत चावल रहते हैं ना बहुत ही टेस्टी रहते हैं। तो अब ना रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग बैठे थे और फिर हमने मंगाया अभी कबाब, क्योंकि भूख इतनी तेज की लग रही है, मगरिब के टाइम खाना खाने के बाद रात को 9 बजे वापस से खा लेते हैं हम। तो ये वीडियो मेरा यहाँ पर एंड होता है पप्पो के गांव का। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में हमेशा नासिरत को याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।